क्यों हिंसा को 8 दिन हो चुके हैं, पाबंदियों में कुछ ढिलाई दी गई है, बसेस को अलाउ किया गया है पूरा दिन चलने के लिए, इसके अलावा कई सरकारी दफ्तरों को भी खोला गया है, हालांकि इंटरनेट पर अभी भी पाबंदी है। इस बीच लगातार पुलिस का एक्शन और धरपकड़ भी जारी है। अब तक 300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कुल 130 FIR है हरियाणा भर में जो पूरी हिंसा हुई उसको लेकर। और इस बीच ये भी खबर है कि आज जो कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ पर नूह इलाके में पहुँचना है, जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करना चाहता है, उसको लेकर पुलिस ने साफ कर दिया है, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो पुलिस के पास आए, वो तमाम जानकारी उपलब्ध कराएगी। लेकिन इस तरीके से नूह में हालात पहले से बेहतर हुए हैं, फिलहाल अभी 2 से 3 दिन और लगेंगे हालात सामान्य होने में। खुद बड़े पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि कांग्रेस के डेलीगेशन को ये बताया दिया गया है कि अगर उन्हें आना भी है तो 2 से 3 दिन का और समय दें, उसके बाद वो आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो लोग आने वाले हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जो आने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के कई अन्य नेता हैं हरियाणा कांग्रेस से जुड़े हुए जो यहाँ पर पहुँचने की बात करें, जिसे देखते हुए देखिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। जो नूह का एंट्री पॉइंट है उसे पूरी तरह से सील किया गया है, और यही वजह है कि जो प्रशासन का कहना है कि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है, धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है, तो हालात दोबारा से ना बिगड़े इसीलिए किसी को भी अलाउ नहीं किया गया। RLD की टीम भी यहां पर पहुंची थी, RLD का जो डेलीगेशन है वो भी लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन उनको भी साफ तौर पर वापस लौटा दिया गया है। और इसी तरीके की तस्वीर जो है यहाँ पर आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, यही तस्वीर यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर सोहना में भी है, तो फिलहाल यही जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि सोहना में ही उन्हें रोक लिया जाए और वहीं से लौटा दिया जाए, क्योंकि प्रशासन ने साफ कर दिया कि धारा 144 लगी हुई है। तो फिलहाल किसी को भी अंदर जाकर हिंसाग्रस्त जो क्षेत्र हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। जब 2-3 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे तब जाकर वो मिल सकते हैं। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से कई चीज़ें हैं जो पाबंदियों में ढिलाई भी दी जा रही है, और साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हालात पूरी तरह से सामान्य हो सकें, और साथ ही जो लोग इसके लिए दोषी हैं या आरोपी हैं उनकी धरपकड़ भी लगातार जारी है। कैमरामैन कलिकांत के साथ में कौशिक, News24, नू मेवात, हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।